गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी। तो इधर मैंने ये देखिए मैक्रोनी बॉईल करने के लिए रख दिया हुआ है। इधर मैंने प्याज, बीन्स, पत्ता गोभी, शिमला और धनिया, टमाटर ये सब कुछ काट लिया हुआ है। इधर मेरी मैक्रोनी हमने अच्छे से धो के रख लिया हुआ है। तो मैं अब कढ़ाई में जीरा और राई डाल दूँगी। जब जीरा राई हो जाएगा तो इसमें कटी हुई प्याज डाल दूँगी। प्याज को अच्छे से भूनना है। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाए तब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। टमाटर अच्छे से हमें गलाना है। जब टमाटर गल जाएगा तो इसमें मैं धनिया, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला भी डालूंगी। तो इन सब चीज़ों को हमें डाल के चलाना है। अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी। नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाता है। और फिर मैं इसमें बीन्स जो थे वो डाल दूंगी। बीन्स, शिमला मिर्च दोनों को अच्छे से मुझे पकाना है। जब ये दोनों हो जाएगा तब मैं इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डालूंगी। फिर उस सोया सॉस के बाद कटी हुई जो पत्ता गोभी थी वो डालूंगी। पत्ता गोभी लास्ट में डालना है, नहीं तो ये गल जाएगी सब्जियों के साथ में। फिर उसके बाद में मैक्रोनी डाल देना है। मैक्रोनी को डाल के अच्छे से मिलाना है ताकि ये मसालों के साथ मिक्स हो जाए। जब मिक्स हो जाएगा तो हम इसे धनिया पत्ता डाल देंगे। लास्ट में धनिया को डाल के भी मिलाना है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।